हेलो एवरीबॉडी, मैं धर्मेंद्र कुमार, आपके अपने चैनल जीके देखो भाई डीके में आप सभी का स्वागत है। और आज हम लेकर आए हैं व्यंजन संधि का प्रथम नियम, यानी व्यंजन संधि का पहला नियम। ठीक है, इससे पहले वीडियो हमने आपसे बात करी थी कि व्यंजन संधि को पढ़ाने से पहले हमें किन किन चीज़ों का ध्यान में रखना होता है और कौन कौन सी चीज़ हमारे माइंड में हो रहनी चाहिए ताकि हमें व्यंजन संधि को पढ़ते समय या व्यंजन संधि को संधि विच्छेद करते समय या संधि दो शब्दों से या दो वर्णों के मेल से नया शब्द बनाते समय व्यंजन संधि का जब प्रयोग करते हैं तो वहाँ हमें किन किन चीज़ों की जरूरत पड़ती है। तो चलिए आज पढ़ते हैं पहला नियम। देखिए, हम बात कर रहे हैं पहले नियम की। व्यंजन संधि हमारा पहला नियम है, प्रथम नियम, वर्ग के पहले वर्ण का। हम वर्ग के पहले वर्ण की बात कर रहे हैं, वर्ग के पहले वर्ण की, यानी हमारे वर्ग कौन कौन से हैं। ये हमारा क वर्ग है, ये च वर्ग है, ये ट वर्ग है, ये त वर्ग है, ये प वर्ग है, ये हमारे वर्ग हो गए। ठीक है, इसमें कहा कि वर्ग के पहले वर्ण का। अब इसका जो वर्ण है पहला, ये है, ये इसका पहला वर्ण कहलाएगा। ये हम लंबवत रूप में जो है वर्ग के पहले वर्ण हैं, ये सारे के सारे, ये पहले वर्ण हैं, ये दूसरे वर्ण हैं, ये तीसरे वर्ण हैं, ये चौथे वर्ण हैं, और ये पंचम वर्ण यानी पंचमा अक्षर है। तो ये वर्ग ऐसे हो गए हमारे, ये क वर्ग है, ये च वर्ग है, ये ट वर्ग है, ये त वर्ग है, और ये प वर्ग है। इस तरह हम वर्ग बांटते हैं, ऐसे हम बांटते हैं वर्ग। ठीक है, और ऐसे हम करते हैं हमारे वर्ण बनते हैं। इस तरह हमारे क्या बनते हैं, वर्ण। ठीक है, तो ये है वर्ग, इस तरह बनेंगे और वर्ण हमारे ऐसे बनेंगे। ठीक है, तो ये हमारे वर्ण हो गए। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि इसमें क्या लिखा प्रथम नियम में, वर्ग के पहले वर्ण का तीसरे वर्ण में परिवर्तन, यानी पहले वर्ग का परिवर्तन जो होगा वो तीसरे में होगा, यहां होगा परिवर्तन। ठीक, ये होगा हमारा परिवर्तन, पहले वर्ग का, पहले वर्ण का तीसरे वर्ण में परिवर्तन। ठीक है, अब देखिए कैसे होगा। यदि वर्ग के पहले वर्ण क च ट त प, देख रहे हैं, क च ट त प, ये हमारे वर्ग के पहले वर्ण है। ठीक है, का मेल किसी स्वर से हो या तो कोई स्वर हो। अब स्वर में हमारे 11 स्वर होते हैं, हम अनुस्वार और विसर्ग को छोड़ देते हैं। ठीक है, तो हमारे 11 स्वर में से कोई भी स्वर हो सकता है। ठीक है, या तो क च ट त प का मेल किससे हो, किसी भी स्वर से हो, 11 स्वर, हम 11 स्वर की बात करते हैं, 11 स्वर से हो। ठीक, पहली बात, क च ट त प का मेल 11 स्वर से किसी में से हो, 11 स्वर में किसी से हो। ठीक, अथवा किसी वर्ग के तीसरे वर्ण से हो। अब तीसरा वर्ण कौन सा हमारा, ये रहा तीसरा वर्ण हमारा, या फिर इससे हो, तीसरे वर्ण से हो, ग ज ड द ब, यही हमारा। ठीक है, अथवा किसी वर्ग के चौथे वर्ण से हो। अब इसी का जो मेल है वो चौथे से हो जाए, मेल की बात कर रहा हूं मैं। हमने पहले कहा क च ट त प का तीसरे वर्ण से, फिर कहा हमने चौथे वर्ण से, फिर कहा हमने 11 स्वर में से किसी से हो जाए। ठीक है, हम मेल की बात कर रहे हैं, मेल हो तो, अथवा अंतस्थ वर्ण व्यंजन से हो, और ये हमारे अंतस्थ व्यंजन है, या फिर इनसे हो जाए। तो चार बात हमारी आ गई। ध्यान देने वाली बात ये है कि पहले वर्ण का, यानी क च ट त और प, इनका जो मेल है वो किससे होगा, ध्यान देने वाली बात है, पहले वर्ण से हो। ठीक है, नहीं दूसरे, इसमें कहा तीसरे वर्ण से हो,
तीसरे वर्ण से हो, ठीक, फिर कहा चौथे वर्ण से हो, फिर कहा था स्वर से हो, कोई सा भी स्वर हो, 11 स्वर है, कोई सा भी स्वर से हो, तीसरे वर्ण से हो, चौथे वर्ण से हो, या फिर हमारे अंतस्थ व्यंजन से हो, अंतस्थ व्यंजन से हो, ठीक है। चार से मेल होगा, चारों में से किसी से भी मेल हो सकता है, किसका, क च ट त प का, प्रथम पहले वर्ण का क च ट त प का मेल या तो स्वर से हो जाए या तीसरे वर्ण से हो जाए, तीसरे वर्ण हमारे पांच हैं, चौथे वर्ण हमारे पांच हैं और अंतस्थ वर्ण हमारे चार हैं, ठीक है, ये पांच हैं, ये भी पांच हैं और ये चार हैं, यानी कुल मिलाकर जो मेल जो होगा वो 11 स्वर में किसी से हो सकता है, तीसरे वर्ण पांच में किसी से हो सकता है, चौथा वर्ण पांच में किसी से हो सकता है और अंतस्थ वर्ण चार है यार अलावा, इनमें से किसी से भी हो सकता है, होगा, यदि इन चारों में से किसी से मेल हो क च ट त प का तो क्या होगा, देखिए, अथवा चौथे वर्ण से हो घ ज द ध म भ सॉरी चौथा अंतस्थ वर्ण यरालावा से होने पर वर्ग का पहला वर्ण, वर्ग का ये जो पहला वर्ण है ये क च ट त प है, ये पहला वर्ण अपने ही वर्ग के, अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ग में बदल जाता है, मैंने कहा कि तीसरे में बदलेगा, ठीक है, ये बात रही समझाने वाली कि प्रथम नियम है क्या। अब देखिए सूत्र के रूप में ये इसे जल्दी समझ में आ जाएगा, आसानी से आपके दिमाग में बैठ जाएगा और इसको आप भूल नहीं पाओगे, ठीक है, ऐसे तो आप थोड़ा सा कंफ्यूजन में रहोगे क्योंकि जब तक आप इनको याद नहीं कर पाने के आप कि प्रथम वर्ण कौन सा है, द्वितीय कौन सा, चतुर्थ कौन सा, तृतीय कौन सा, पंचम कौन सा, फिर वर्ग, लेकिन इस सूत्र से आपको जल्दी समझ में आ जाएगा। देखिए क च ट त प ये हमारा अंतिम वर्ण होगा क्योंकि इस तरफ आएगा और ये हमारा प्रथम वर्ण होगा। अब प्रथम वर्ण में हमारे कौन कौन से सकते हैं, या तो 11 स्वर में से कोई एक, या तीसरे वर्ण में से पांचों में से कोई, या चौथे वर्ण में से पांचों में से कोई, या फिर अंतस्थ वर्ण में से चार में से कोई भी आ जाए प्रथम वर्ण के स्थान पर, और अंतिम वर्ण पे क्या होगा हमारा क च ट त प, ठीक है, जब इनका मेल होगा तो देखिए ये तो हमारा ज्यों का त्यों रहना है, जो हमारा प्रथम वर्ण होगा द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण वो हमारा ज्यों का त्यों रहेगा, वो केवल मेल करेगा, रहेगा ज्यों का त्यों, ठीक है। देखिए परिवर्तन कहाँ होगा, अंतिम वर्ण में क का हो जाएगा ग, च का हो जाएगा ज, ट का हो जाएगा ड, त का हो जाएगा द और प का हो जाएगा ब, बाकी हमारे जुड़ने वाले हैं प्रथम वर्ण को जो के तो रहेंगे, ठीक है। कैसे देखिए, अगर हम बात करते हैं सबसे पहले हम बात करें क की, दिक जमा अंत, देखिए यहां दिक जमा अंत हम बात कर रहे हैं, यहां दिक जमा अंत, ध्यान देने वाली बात यह है जब क के नीचे हलंत लगा हुआ है और जिसमें क बदलेगा, जिसका क में परिवर्तन होगा उसके नीचे भी हलंत लगेगा, इसलिए मैंने यहाँ भी हलंत लगाए हुए हैं, ठीक है। अगर कोई सामने यानी प्रथम वर्ण में कोई स्वर आ जाता है तो वो स्वर उस हलंत को हटा देगा तो वहाँ हलंत नहीं आएगा। अब आगे ना आने वाले सवालों में सॉरी आने वाले हमारे शब्दों में जो है ऐसी समस्या आएगी, ऐसी स्थिति आएगी। देखिए पहले हम देखते हैं दिक जमा अंत, अब यहाँ देखें यहाँ क का मेल है वो अ से हो रहा है, इन दोनों का मेल हो रहा है, यहाँ से हमने क लिया यहाँ से हमने अ लिया, यानी स्वर से मेल हो रहा है, हमने पहले ले लिया स्वर से मेल हो रहा है, ठीक है, स्वर से मेल हो रहा है।
अब ये जो हमारा क है ये बदलेगा हमारा इसके अनुसार ग में, ठीक है। हलंत है तो हलंत ही रहेगा। हमारा आने वाला जो अंतिम वर्ण है वो जो का त्यों रहेगा। अब यहाँ क्या बचा हमारा दी, ठीक है। अब इसको हम जोड़ के लिखेंगे दिक, सॉरी दिग, ये इसको पूरा कर देगा तो यहां हमारा क्या बन जाएगा, देखिए पूरा ग हो जाएगा, दिग अंत हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा ग ग का जो है अ ने पूरा कर दिया, दिगंत हो गया, ठीक है। यहाँ अ का मेल हुआ क से तो क परिवर्तन हुआ इस सूत्र के अनुसार ग में, ठीक है। ग को पूरा कर दिया अ ने, दिगंत हो गया, ठीक है। अगला देखिए और आसानी समझ में आ जाएगा आपकी। अब हम ले रहे हैं, देखिए यहां भी हम शायद पहले लेते हैं अच जमा आदि, अच जमा आदि, ठीक, अच जमा आदि, ठीक है। अब आप देख रहे हैं कि यहां हमने च का मेल जो है वो च जो हमारा है उसका मेल हो रहा है हमारा आ से, यानी कि यहां भी हमने स्वर से मेल करा दिया है। हम पहले स्वर की बात कर लेते हैं दो तीन की, ठीक है। च हमारा कहे बदल जाएगा ज में, ठीक है। और ये हमारा आ और दी जो का त्यों रहेगा। यहाँ हमारा क्या बचा, केवल आ बचा था, च का मेल होकर आ से च बदल गया था ज में, ठीक है। तो हमारा अब ये देखिए जो आ है इस जो को पूरा कर देगा, ये हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा हमारा ज हो जाएगा, पूरा ज हो जाएगा। द यहाँ जुगतु रहेगी और अ हमारा यहाँ रहेगा, इन तीनों को जोड़ दोगे शब्द हमारा क्या बन जाएगा, आजादी। ये शब्द निकल कर हमारा आ जाएगा आजादी, ठीक है। ये बोलने में दिक्कत करते हैं हमारे लिखने वाले अखबार वाले, इसको बोलते हैं आजादी। ये आजादी शब्द नहीं होता, ये होता है आजादी, ठीक है। आगे देखिए और समझ में आ जाएगा हमारी। अब हम अगला लेते हैं कोई, अब ले लेते हैं हम आपका जगत जमा अंबा, जगत जमा अंबा, ठीक, जगत जगत जमा अंबा। यहां भी हम पहले जो है अ को लेते हैं, नहीं स्वर ही ले लेते हैं, तीन चार हम स्वर की बात कर लेते हैं पहले, ठीक है। मेल होगा हमारा त और अ का, इन दोनों का मेल होगा त हमारा कहे बदल जाएगा, देखिए द बदल जाएगा, यहाँ हमारा द हो जाएगा, अरे यहाँ हमारा अम्बा जो का त्यों रहेगा। यहाँ हमारा क्या बच गया, जग, लेकिन तो हमारा यहाँ गया था तो ये अ जो है इसको पूरा कर देगा द को, तो ये दो पूरा हो जाएगा, मौज का तो रहेगा, ठीक है। और हमारा यहाँ आ जाएगा जगदम्बा, जगदम्बा हमारा हो जाएगा, ठीक है। जगत प्लस अम्बा का जगदम्बा हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं, कुछ उदाहरण मैं करके दिखा रहा हूँ आपको, कुछ आप अपने आप कर लोगे, कोई दिक्कत कहीं आए तो आप मुझे बता देंगे। फिर हम बात करते हैं ट की, बात कर लेते हैं सठ जमा यंत्र, ठीक है। सठ जमा यंत्र को जोड़कर क्या शब्द बनता है, देखिए हम मेल करेंगे ट का और य का, ठीक है, इन दोनों का मेल होगा। यहां मेल हो रहा है व्यंजन का व्यंजन से, यहां हुआ था व्यंजन का स्वर से, यहां हुआ था व्यंजन का स्वर से, ठीक है। यहां देख लीजिए आप, अब देखिए आप यहां व्यंजन का मेल व्यंजन से हो रहा है, आप देख रहे हैं यहां व्यंजन का मेल व्यंजन से हो रहा है, ठीक है। तो ये बदलेगा कहे में आपका त के अनुसार बदलेगा ड में, ये ड बदल जाएगा, ठीक है। ये हमारा जुड़ने वाला जो कहते हो रहेगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। यहां हमारा क्या बचा था, केवल मूर्धा वाला स, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा हमारा षड, क्या बन जाएगा ये षड यंत्र,
ये हमारा सब बनेगा षड्यंत्र। षड्यंत्र माने कोई कॉन्स्पिरेसी रचना, यानी कोई ऐसी व्यूह रचना की किसी को मारना हो तो षड्यंत्र कहते हैं इसको। ठीक है, आगे देखिए, ऐसे हमारे सारे शब्द बन जाएंगे ये। ठीक है, अब हम ले लेते हैं कोई ऐसा शब्द जिसमें देखिए आपका फिर कोई स्वर आ जाए, तद जमा उपरांत। तद जमा उपरांत मेल किसका होगा, त का और उ का, यानी यहाँ व्यंजन का स्वर से मेल हो रहा है, तो हमारा कहे बदलेगा इसके अनुसार द में बदल जाएगा। ठीक है, ये अलंत के साथ, और ये हमारा उपरांत जो का त्यों रहेगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होने वाला। हमने पहले कहा जो भी यहाँ जुड़ेंगे प्रथम वर्ण में वो जो के तो रहेंगे, यहाँ हमारा बच गया क्या, तो ठीक है, तो ये इसको पूरा कर देगा। ठीक, इसमें हलंत लगा हुआ है, ये हमारा स्वर है, तो ये स्वर जो है ऊ जो है छोटा ऊ, ये इसको पूरा करेगा और हमारा शब्द क्या बन जाएगा, तदो प्रांत, ये हो जाएगा तदो प्रांत। ठीक है, ये शब्द निकल कर आया है। अगर देख लेते हैं, और हमारे पास बहुत सारे शब्द ऐसे हैं जिनको हम कर सकते हैं, आप इन्हें करके देखें, कोई दिक्कत कहीं आए तो मुझे कमेंट्स करके बताएं। ठीक है, आप देख लेते हैं, मैं उत जमा घाटन, उत जमा घाटन, अभी हमारा किसका मेल किससे हो रहा, देखिए यहाँ त का मेल जो है वो घ से हो रहा है, देखिए इससे हो रहा है चौथे वर्ण से, चौथे वर्ण से हो रहा है, किसका, त का चौथे वर्ण से हो रहा है। ठीक है, चौथे वर्ण से, घ की बात कर रहा हूं मैं, त जो है हमारा किससे हो रहा है, घ से हो रहा है। ठीक है, देखिए अब इन दोनों का जब मेल करेंगे हम, तो हमारा त कहें बदलेगा इसके अनुसार द में बदल जाएगा। ठीक है, और ये हमारा घाटन जो का त्यों रहेगा, इसमें कोई परिवर्तन होने वाला है ही नहीं, और ये हमारा रहेगा ऊ कि त बदल गया इसमें, तो हमारा शब्द क्या बन जाएगा, उद घाटन, उद्घाटन हमारा शब्द निकल कर आएगा। ठीक है, आप आसानी से इनको कर सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, अब हम ले लेते हैं जिसको ज्यादातर लोग जो हैं गलत बोलते हैं, वो क्या शब्द है, देखिए भगवत प्लस गीता। ठीक है, यहां मेल होगा त का और ग का, ठीक है दोनों का मेल होगा तो हमारा क्या मिल जाएगा, द में, ठीक हलंत जुगा तो रहेगा, ये गीता हमारा जो का त्यो रहेगा, यहाँ हमारा क्या बचा, भग व। ठीक है, दोनों को जोड़ देंगे क्या बन जाएगा, तीनों को भग वद गीता। ठीक, ये शब्द निकल कर आएगा भगवत गीता, लेकिन बोलने वाले यहाँ त का इस्तेमाल करते हैं वो गलत है, ये शब्द जो है वर्तनी शुद्धिकरण में बहुत पूछा जाता है परीक्षाओं में कि बताइए इसमें से अशुद्ध शब्द कौन सा है या फिर सही शब्द कौन सा है, तो ये भगवत गीता होता है, न कि भगवत गीता, त का द में परिवर्तन हो जाता है भगवत गीता। ठीक है, यहां मैंने आपको दिखा दिया कि कैसे हमारी प्रथम वर्ण का परिवर्तन तीसरे में हो जाता है, ये हमारी व्यंजन संधि का प्रथम नियम है।